11 के उर्दू खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। ईडो किड्स फेयर ईडो पार्क इंटरनेशनल स्कूल न्यू मोहम्मद नगर में ईडो किड्स फेयर का इनकबात अमल में आया है, जहां पर स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ उनान पर जैसे कि साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, दीनियात के अलावा दीगर चीज़ों के कई मॉडल पेश किए हैं। इस मौके पर मेहमानी खुसूसी की हैसियत से मोहम्मद अयूब शाह, चेयरमैन जवार ग्रुप ऑफ स्कूल्स, महमूद साजिद चेयरमैन सेंट मास हाई स्कूल, फजलुर रहमान खुर्रम चेयरमैन दाउन हाई स्कूल, अब्दुल हफीज पटेल कॉरपोरेटर बारकस डिवीज़न, मोहम्मद अहमद अली शकील चीफ पार्टिशन के अलावा दीगर लोग मौजूद थे, तमाम मेहमानों की शिरकत की है। इस मौके पर चेयरमैन स्कूल जनाब महमूद अली सोहेल शाह ने तमाम मेहमानों की इस्तकबाल किया और उनकी गुलपोशी शालपोशी की है। इस मौके पर कई तुलबा के अलावा प्रिंसिपल और तमाम टीचर्स की शालपोशी गुलपोशी की गई है और इस्तकबाल किया गया है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे शेख जावेद की खास रिपोर्ट। नाज़रीन, हमारे इस टी वी 11 चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। Thank you.
वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज न्यू मोहम्मद नगर ईडो पार्क स्कूल में साइंस एग्जीबिशन रखा गया। माशाल्लाह तमाम क्लासेस के तुलबा व तालिबात का जो रद्द अमल था माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है। यहाँ के चेयरमैन सोहेल साहब और हमारे डायरेक्टर असलम साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि इस इदारे में बच्चों के लिए अच्छा तालीम दे रहे हैं। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा बोलते सो बच्चे रिप्रेजेंट करें साइंस व तारीख व दीगर चीज़ों में, जिसको देखने के बाद में मासूम बच्चों की रद्देमल काफ़ी मसरत हुई। मैं तमाम असातेज़ा और इस स्कूल के ज़िम्मेदारान को और बच्चों के माँ बाप को जो है मुबारकबाद देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह छोटे छोटे बच्चे अच्छी तरीके से जो है वजाहत कर रहे थे तमाम चीज़ों पर। मैं दिल की गहराइयों से इन तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। बरकातूँ, मैं मोहम्मद महमूद अली सोहेल, चेयरमैन ईडो पार्क इंटरनेशनल स्कूल। आज बरोज़ इतवार 5 तारीख एडोफेस्ट के नाम से एक प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया गया माशाल्लाह, जिसमें हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, साइंस, मैथ, सोशल स्टडीज़ एंड जनरल नॉलेज के ऊपर माशाल्लाह काफ़ी अच्छे प्रेजेंटेशन दिए हैं। और इस मौके पर आज हमारे साथ शहर की नामी गिरामी शख्सियात जनाब आयुष शाह साहब एज ए चीफ गेस्ट इस प्रोग्राम को आपने विज़िट किया, और साथ ही साथ जनाब महमूद साजिद साहब जो जूनियर साइंटिस्ट भी है और सेंट मास स्कूल के आप बानी करस्पॉन्डेंट चेयरमैन, और साथ ही साथ जनाब फजल रहमान खुरम साहब जो डॉन स्कूल के चेयरमैन करस्पॉन्डेंट है, एक सीनियर एजुकेशनिस्ट है, उस मौके वो हमारे साथ रहे। और दीगर मेहमानान में स्कूल के हमारे पेट्रोन चीफ जनाब अहमद अली शकील साहब और जनाब असलम साहब और अब्दुल सबूर सर, बहुत सारे स्कूल करस्पॉन्डेंट इस मौके पर यहाँ मौजूद रहे। हम आप तमाम का फर्दन शुक्रिया अदा करते हैं। और औलिया तुलबा जो अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनसे ख्वाहिश है कि वो किसी भी तालीम इदारे में दाखिला करवाने से पहले उस स्कूल के अच्छे से जज़ाब के वहाँ का वो लोग मुशाहिदा करें, ऑब्जर्वेशन करें। माशाल्लाह शहर में कई सारे बेहतरीन स्कूल चल रहे हैं, जैसा हमारे गेस्ट ने यहाँ पर आज साजिद साहब ने बताया है कि मुस्लिम जज़ाब के ख़ासकर लड़कियों की तालीम जो बापर्दा हो, पर्दे के साथ हो, तो मौजूदा हिंदुस्तान के हालात के अंदर इसके ऊपर हमारी तमाम स्कूल करस्पॉन्डेंट की निगरानी होना चाहिए। बहरहाल आज के इस मौके पर आए तमाम मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करते हैं, तमाम औलिया तुलबा को मुबारकबाद देते हैं और इन नन्हे मुन्ने बच्चों की हिम्मत अफजाई करते हैं। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।